वेलकम दोस्तों, मेरा न्यू वीडियो में ये वीडियो कुछ खास होने वाला है। तो आप लोग कितने दिन मेरे साथ रहे, मेरे साथ जो नए लोग जुड़े उनको बहुत शुक्रिया, जो लोग पहले से हैं उनको बहुत बड़ा शुक्रिया। तो देखिए, हर कोई पैसे के लिए काम करता है ना? तो उनमें से भी कुछ कुछ काम होता है कि शौक से करते हैं लोग। जैसे मैं भी चाहता तो कॉल दे के पैसा ले सकते थे, ले सकता था लोगों से, लेकिन मैंने नहीं लिया। लेकिन बाद में सोचा लेना सही है, क्योंकि अगर मैं कुछ अच्छा सर्विस दे सकती तो लेना चाहिए। तो इन फ्यूचर अगर मैं देखूंगा कि मैं आप लोगों को कुछ बोलने का, कुछ सजेस्ट लाइव मार्केट में हेल्प करने का एलिजिबल हूं, तो मैं आप लोगों को हेल्प करने का कोशिश करूंगा, एक पेड सर्विस लाने का कोशिश करूंगा। और देखिए, लोग तो पैसे के लिए सब सब काम करते हैं, लेकिन कुछ कुछ काम होता है जो अपना मर्जी से करता है, जो काम करने में उसका अच्छा लगता है। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स रिलेटेड जो भी चीज़ है वो मुझको बहुत अच्छा लगता है। तो ये वीडियो में मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये वीडियो डायरेक्टली ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं होगा, थोड़ा हटके होगा। एक्चुअली ये वीडियो वोर्टेक्स मैथमेटिक्स के बारे में होगा। वो क्या है नहीं है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, और डायरेक्टली ये तो ट्रेडिंग के साथ कोई लिंकअप नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इसका बहुत बड़ा रिलेशनशिप है डब्ल्यू डी गैन का ट्रेडिंग मेथड से। ओके, तो मैं ये नहीं जानता हूँ कितने लोगों को अच्छा लगेगा यह वीडियो और या कितने लोग देखेंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है इंग्लिश में है, यूट्यूब में वीडियो या बुक है इंग्लिश में, तो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, और हिंदी में अभी तक इस सब्जेक्ट पे कोई वीडियो मैंने नहीं देखा इन डिटेल्स। ठीक है, तो मैं एक के बाद एक वीडियो लाने का कोशिश करूँगा विद डिटेल्स, लेकिन मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं प्रोफेशनल वीडियो मेकर नहीं हूँ, मेरे साथ कोई काम करने वाला नहीं है, और मैं जो पिक्चर ड्रॉ किया हूँ अभी आप लोग देख पाएंगे, वो एकदम उल्टा पुल्टा हो गया। मैं अच्छा पिक्चर ड्रॉ नहीं कर पाता हूँ, मेरा स्टूडेंट लोग भी जानते हैं। तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है? बेसिकली सब्जेक्ट आपको समझना है, उसी पे ध्यान दीजिए, ठीक है? और कोई एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा कि मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, मेरा माइक्रोफोन का प्रॉब्लम है, तो मैं एक माइक्रोफोन खरीदने का कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है नेक्स्ट वीक से अच्छा वॉइस वाला वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, चलिए। तो आप लोगों को मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये पिक्चर आप लोग जानते हैं ये पिक्चर क्या क्या है? 0.16 0.1.618 का रिप्रेजेंटेशन है। तो कैसे ड्रॉ करता है इसको देखने से ही आप लोगों को थोड़ा बहुत जो जो लोग मैथमेटिक्स ज्योमेट्री जानते हैं उन लोगों को पता चल सकता है इसको देख के। तो एक्चुअली ये पिक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है, ये पिक्चर का रिलेवेंस क्या है, ये न्यूमरोलॉजी क्या है, नेचर में कहाँ पर न्यूमरोलॉजी को देखने को मिलता है, ये सब आपको जानना है। अगर डब्ल्यू डी गैन ट्रेडिंग के वो साइंस बोलते थे, तो साइंस तो नेचर में देखता है ना, सिर्फ चार्ट में प्राइस उठ रहा है डाउन हो रहा है इसका तो कोई मतलब नहीं है, वो कर रहा है ह्यूमन साइकोलॉजी। तो ह्यूमन साइकोलॉजी या सेंटिमेंट कैसे इफेक्ट कर रहा है, किस चीज से इफेक्ट कर रहा है, क्यों हो रहा है, वो जानना भी आपका जरूरत है।
ये 1.618 का रिप्रेजेंटेशन है, आप लोग देख के आप लोगों को शायद पता चल सकता है कि कैसे ड्रॉ करता है। ये चीज आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? आप लोग कैसे करो, आप लोग पिरामिड जानते हैं कैसे होता है? पिरामिड, पिरामिड थोड़ा समझने का कोशिश कर रहा हूँ। ये थ्री डायमेंशनल पिक्चर है, तो थ्री डायमेंशनल पिक्चर होने से मतलब इस तरीके से 2D में ड्रॉ करने से अच्छा नहीं दिखता है, फिर भी मैं एक कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, पिरामिड है, ठीक है। तो पिरामिड के टॉप को इस पिक्चर का, सॉरी पिक्चर का, ये पिक्चर का ये सेंटर पकड़ लीजिए। तो टॉप से अगर आप डाउन होंगे तो एक्चुअल में आपका 1.618 का प्रोपोर्शन मिलेगा, ठीक है। इसका चारों ओर घुमा के अगर डाउन होंगे तो एक्चुअल में 1.618 का आपका प्रोपोर्शन मिलेगा। तो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में जो पिरामिड है, तो उसमें आपको ये फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और ये एंगल कितना है? ये एंगल है आपका 51 डिग्री एंड ऑलमोस्ट 51 मिनट, ओके। ये याद रखिए, ये बाद में काम पे आएगा। तो चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट में जाते हैं, जो आपको आज का टॉपिक है, मेन टॉपिक है। मैं जानता हूँ मेरा वीडियो का रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए एक सर्कल बना है, और सर्कल के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? यही आपका वॉर्टेक्स मैथमेटिक्स का बेसिक रिप्रेजेंटेशन है। वॉर्टेक्स इज ए रीजन इन ए फ्लूइड इन व्हिच द फ्लो रोटेट्स अराउंड एन एक्सिस लाइन व्हिच मे बी स्ट्रेट और कार्व, ओके। वॉर्टेक्स मैथमेटिक्स का ये डेफिनेशन है। तो आप यहाँ पर वॉर्टेक्स का पैटर्न देख सकते हैं। कैसे? आप, मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। तो हम लोग 1 to 9 हम लोगों का बेसिक नंबर है, बेसिक डेसिमल सिस्टम का बेसिक नंबर है। तो आप डबल कीजिए, 1 से डबल करते जाइए। 1 का डबल कितना है? 1 प्लस 1 2। अभी 2 का डबल कीजिए, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। 1 के बाद 2 में गया, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। 2 के बाद 4 में गया, 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। 4 से 8 में गया, 8 प्लस 8 इक्वल टू 16। 16 इक्वल टू 1 प्लस 6 इक्वल टू 7, मतलब 8 से 7 पे गया। 16 डबल इक्वल टू 32, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, 7 से 5 में गया, ठीक है। और फिर से अगर आप रिपीट करेंगे, 64 प्लस 64 इक्वल टू 128, 1 प्लस 2 इक्वल टू सॉरी 32 प्लस 32 इक्वल टू 64, 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, मतलब यहाँ से यहाँ पर गया। मतलब क्या है? 1 का डबल 2 है, 2 का डबल 4 है,
फोर का डबल 8 है, 8 का डबल से हम लोग 7 पाएंगे, 7 का डबल से हम लोग 5 पाएंगे। कैसे पाएंगे, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया। तो आप सिर्फ डबल करते जाइए और जो नंबर आएगा उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है? तो आपको ये वॉर्टेक्स पैटर्न दिखने को मिल जाएगा। तो आप जितना तक चाहिए आप कीजिए, 1 से 1 2 3 4 5 6 करके जितना चाहे कीजिए, तो आपको 3 नंबर नहीं मिलेगा। कौन सा 3 नंबर? 3 6 एंड 9, ठीक है? 3 6 9 को आपको नहीं मिलेगा। तो उसमें भी देखिए 3 6 9 में देखिए क्या रिलेशन है। 3 3 डबल 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, 6 प्लस 6 इक्वल टू 12, 12 इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, मैंने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया। 12 प्लस 12 इक्वल टू 24, इक्वल टू 2 प्लस 4 इक्वल टू 6, 24 प्लस 24 इक्वल टू 48, इक्वल टू 4 प्लस 8 इक्वल टू 12, इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। मतलब आप जितना भी डबल करते जाइए आपको 6 3 6 3 6 3 इस तरीके से नंबर मिलेगा। आप हाफ करते जाइए, 6 का हाफ 3 है, 3 का हाफ 1.5 है, जिसको आप ऐड करने से 6 मिलेगा। 1.5 का हाफ होता है 0.75, जिसको आप, मैं डेसिमल को इग्नोर कर रहा हूँ, 0.75, 7 और 5 को ऐड कीजिए तो आपको 3 मिलेगा। 0.75 का हाफ है 0.375, उसको ऐड कीजिए तो 6 मिलेगा। तो इस तरीके से आप जितना भी चाहिए हाफ करते जाइए, आपको 3 और 6 3 और 6 यही मिलेगा, है ना? इसके बाद देखिए 9 है, 9 का डबल कीजिए, 9 प्लस 9 इक्वल टू 18, 1 प्लस 8 इक्वल टू 9, ठीक है? 18 प्लस 18 इज इक्वल टू 36, 3 प्लस 6 को 9 पे कन्वर्ट होते हैं, 36 प्लस 36 इक्वल टू 72, वो भी 9 पे कन्वर्ट कर सकते हैं, 72 प्लस 72 वो भी 9 में कन्वर्ट होता है, 144 प्लस 144 वो भी 9 में कन्वर्ट होता है ना? तो 9 का जितना भी डबल कीजिए सिर्फ 9 ही मिलेगा। और इसको हाफ कीजिए, हाफ करने से क्या होता है, 9 का हाफ 4.5 इक्वल टू 4 4 प्लस 5 इक्वल टू 9 होता है, 4.5 का हाफ कीजिए 2.25 होता है, तो 2 प्लस 2 प्लस 5 कीजिए तो 9 होता है, 2.25 का हाफ कीजिए 1.125 होता है, तो उसको अगर आप ऐड करेंगे तो फिर से 9। तो आप जितना भी हाफ करते जाइए 9 को, आपको 9 ही मिलेगा। इसका मतलब डबल कीजिए या हाफ कीजिए, 9 से आपको 9 ही मिलेगा। और 3 और 6 को डबल कीजिए या हाफ कीजिए, आपको 3 और 6 रिपीटेटिवली मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3 और 6 आपका पोलरिटी नंबर है और 9 9 है आपका यूनिक नंबर। तो ऐसा बोला जाता है कि 1 2 4 5 7 और 8, ये इसको लेके हम लोग फिजिकल वर्ल्ड को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है? और 3 6 9 इसको लेके हम लोग क्वांटम लेवल को डिसाइड कर सकते हैं, ये फिजिकल वर्ल्ड को डिस्क्राइब नहीं करते 3 6 9। और इसमें भी ना, 3 और 6 को पोलरिटी नंबर बोलते हैं, एक बार 3 और एक बार 6 ऐसा मिलता है, और 9 को यूनिक नंबर और गॉड नंबर बोलता है। ये 9 ऐसा बोला जाता है कि 9 सबको गवर्न करता है, ठीक है? तो ऐसा बोला जाता है कि 9 हाईएस्ट एनर्जी को मतलब रिजर्व करता है, ठीक है? ये सबको गवर्न करता है। 9 का इंपोर्टेंस सबसे ज्यादा होता है।
नाइन ऐसा भी बोला जाता है, नाइन कोई भी वाइब्रेशन का, नेचर में कोई भी वाइब्रेशनल मोशन का सोर्स का आंसर है नाइन, नंबर नाइन। और डब्ल्यू डी गैन का जो बेसिक थ्योरी है स्क्वायर ऑफ नाइन का, वहां पर मैंने ये भी आप लोगों को दिखाया कि नाइन से दो मैजिक मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे कोई भी नंबर नाइन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर किसी भी नंबर के साथ नाइन ऐड करेंगे तो वो आपका बेसिक नंबर पे सॉरी हाँ वो बेसिक नंबर पे कन्वर्ट होता है। जैसे 3 प्लस 6, जैसे सॉरी ये छोड़िए, जैसे कोई भी नंबर लीजिए, मैं थोड़ा मोटा कर लेता हूँ तो देखने से सुविधा होगा। 7, इसके साथ 9 ऐड कीजिए, 16 होता है, 1 प्लस 6 इजिकल टू 7। और कोई भी नंबर लीजिए, 23, इसका बेसिक नंबर कौन सा है, 2 प्लस 3 इजिकल टू 5 है, तो इसके साथ 9 ऐड कीजिए, 32, 3 प्लस 2 इजिकल टू 5। तो कोई भी नंबर के साथ अगर आप 9 ऐड करेंगे तो उसका बेस नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, आप हम लोग बेस नंबर पे पहुंच जाते हैं। और कोई भी नंबर के साथ अगर 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग 9 में पहुंच जाते हैं, कोई भी। ठीक है, ये दो चीज मैंने पहले बताया है आप लोगों को। और आगे चलते हैं, ज्योमेट्री इज द नॉलेज ऑफ एक्सटर्नली एग्जिस्टिंग बाय पाइथागोरस। तो नेचर में जो भी चीज है सब ज्योमेट्री से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नेचर को समझने के लिए हम लोगों को ज्योमेट्री पता होना बहुत जरूरी होता है। तो साइंटिस्ट जो होते हैं तो वो लोग बहुत टाइम से फिजिकल वर्ल्ड का जो प्रॉपर्टी है, जो हम लोगों के चारों ओर होता है, उसको मैथमेटिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स, लेकिन यूनिवर्स इटसेल्फ एक मैप है। उस मैप को समझने से हम लोग यूनिवर्स को समझ सकते हैं। जो भी चीज है यूनिवर्स में वो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में सजा हुआ है। तो यूनिवर्स में जो भी चीज देखते हैं हम लोग को चारों चारों ओर जो भी चीज देखते हैं वो सब चीज पार्टिकल से बना हुआ है। एक पार्टिकल का सबसे छोटा अंश होता है एटॉम, मतलब उसका बाद होता है परमाणु, या उसके अंदर होता है न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर आप तोड़ेंगे, उसका अंदर जाएंगे तो आपको क्वार्ट्ज में पार्टिकल मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। तो 369
सबसे मतलब हाईएस्ट एनर्जी होता है जो यूनिवर्स को गवर्न करता है, तो 369 का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। और इसको कौन सबसे पहले खोजा था या इसके बारे में बोला था? निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला के बारे में जो लोग साइंस पढ़े हैं वो तो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे, उनके बारे में बोलने का मेरा मतलब एलिजिबिलिटी नहीं है। वो बहुत बड़े आदमी थे मेरे हिसाब से, अभी तक वेस्टर्न जो साइंटिस्ट है उनमें से सबसे बड़ा साइंटिस्ट निकोला टेस्ला है। मैं आइंस्टाइन से भी आगे निकोला टेस्ला को रखूंगा। हम लोगों के चारों और जो भी चीज आप लोग देखते हैं उनमें से, जो भी साइंस का चीज, जो भी टेक्नोलॉजी आप लोग देखते हैं उनमें से 75% इन्वेंशन उनका है। ठीक है, थॉमस एडिसन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी खोज के निकाले थे, लेकिन निकोला टेस्ला ऑल्टरनेटिव इलेक्ट्रिसिटी खोज के निकाले थे। और भी बहुत सारे कुछ है, जैसे और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, डब्ल्यू डी गैन उनका टनल थ्रू द ईयर बुक में डेथ रे के बारे में बोले थे। डेथ रे मतलब जो कोई भी सेना को बहुत दूर से एकदम खत्म कर सकता था। ठीक है, बहुत डेंजरस, सबसे डेंजरस एक हथियार के बारे में उन्होंने जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने यूज नहीं किया था। उस जो स्टोरी है टनल थ्रू ईयर, वो डेथ रे एक्चुअली निकोला टेस्ला का एक प्रोजेक्ट था, लेकिन उन्होंने उसको इन्वेंट नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो चीज इन्वेंट हो गया तो वर्ल्ड का जो पॉलिटिकल सिचुएशन था तब वो बिगड़ सकता था। किसी एक के पास अगर सब हथियार चले गए कि किसी एक नेशन के पास, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। वो अकेला मतलब सब कुछ सुविधा ले सकता है, ये उन्होंने समझा था, इसलिए उन्होंने डेथ रे को इन्वेंट नहीं किया था। ये डेथ रे उनका ही एक कॉन्सेप्शन था। ठीक है, और भी बहुत सारा प्रूफ मिलता है कि डब्ल्यू डी गैन निकोला टेस्ला से बहुत इंस्पायर्ड थे, बहुत ही इंस्पायर्ड थे। और निकोला टेस्ला ही पहले पहले बोले थे कि 369 इसके बारे में, उन्होंने बोला था कि जो 369 के बारे में जानेंगे वो यूनिवर्स का सीक्रेट उसको पता चल जाएगा। ठीक है, वो जब भी कोई होटल में जाते थे या कहीं पे रुकते थे 369 को मेंटेन करते थे, कोई भी रूम नंबर पे वो ठहरते थे तो आइदर उस रूम नंबर का एडिशन या बेस नंबर आइदर 3, 6 और 9 होता था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट ऑफ टाइम। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज टेम्पोरल फ्रीक्वेंसी विच एम्फसाइज द कॉन्ट्रास्ट टू स्पेशियल फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो पार्टिकुलर टाइम के अंदर जितने बार एक इवेंट रीऑकर होता है। ठीक है, जो लोग फ्रीक्वेंसी नंबर बोलते हैं उन लोगों के लिए ये बात दिमाग में रखना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं। जैसे कोई भी चीज ऐसे फ्रीक्वेंसली ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो उस चीज का 1 मिनट में सोचिए 3 बार ऊपर नीचे जा रहा है, तो इस चीज का, इस फ्रीक्वेंसी, इस चीज का फ्रीक्वेंसी कितना है? 3 है पर मिनट। ओके, यही बोला गया, सिंपल बेस। अभी देखिए ये चीज फिजिकल वर्ल्ड में कहां पर देखा जाता है? फिजिकल वर्ल्ड में एक सर्कल का कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री।
तो 360 डिग्री को अगर हम लोग देखेंगे, 3 + 6 + 0 मतलब बेस नंबर पे अगर हम लोग कॉन्वर्ट करेंगे तो 9 होता है। उसका 360 डिग्री का हाफ लीजिए, 180 डिग्री। 180 डिग्री को अगर हम लोग बेस नंबर में कॉन्वर्ट करेंगे तो वो भी 9 होता है। 1/4 ऑफ ए सर्कल 90 डिग्री, उसको बेस नंबर पे कॉन्वर्ट करेंगे तो 9 होता है। 1/8 ऑफ ए सर्कल 45 डिग्री, उसको भी बेस नंबर पे कॉन्वर्ट करेंगे तो 9 होता है। 1/16 ऑफ सर्कल कितना होता है, 22.5 डिग्री, उसको भी बेस नंबर पे कॉन्वर्ट करेंगे तो 9 होता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि डब्ल्यू डी गैन का जो इम्पोर्टेंट एंगल था वो सबका एडिशन 9 होता है और कुछ का एडिशन 6 भी होता है। ठीक है, जैसे 120 डिग्री, 1 + 2 = 3 होता है। तो इसी से पता चलता है कि डब्ल्यू डी गैन भी निकोला टेस्ला से इंस्पायर्ड था। और कुछ नंबर देखिए जो इम्पोर्टेंट नंबर है, जैसे 144 = वो भी बेस नंबर 9 है। 240 उसका बेस नंबर 6 है। 480 उसका बेस नंबर 3 है। 720 उसका बेस नंबर 9 है। 1080 उसका बेस नंबर 9 है। 1440 उसका बेस नंबर 9 है। 3840 उसका बेस नंबर 9 है। तो ये सब नंबर कहाँ मिलता है, कैसे देख सकते हैं, क्या है, मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगा अगले वीडियो में। तो उसमें से सिर्फ इसके बारे में मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट 1440। ठीक है, ये 1440 आपको, और एक चीज बताता हूँ कि 1080, 1440 कहाँ पर मिलेगा आपको, थोड़ा याद कीजिए, आप लोग थोड़ा याद कीजिए। मैं पहले भी बताया हूँ, स्पेशली मेरा स्टूडेंट लोगों को तो बहुत बार बताता हूँ। 1440 एक्चुअली एक दिन में मिनट का नंबर है। कितना मिनट है एक दिन में, 1440, कितना मिनट होता है एक दिन में, आप लोग देख सकते। मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। एक दिन में 24 आवर होता है। 24 आवर, 1 आवर मतलब 60 मिनट, तो 24 आवर मतलब 24 × 60 देखें, 1440। ठीक है, सब कुछ जो भी एंगल है, जो भी नंबर है, उसका नेचर में कोई एग्जिस्टेंस है, कोई मतलब है। अब 1440 से 0 हटा दीजिए, कितना होता है, 144। 144 इंपोर्टेंट नंबर है, डब्ल्यू डी कैन बहुत बार बोला है। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है देखिए, 12। और एक 144 और कहां पर आपको मिलेगा, मैंने बताया था, आप अगर फिबोनाची नंबर सीरीज में जाएंगे, 1 2 3 प्लस 5 8 13 ऐसा करके, तो वहां पर आपको 144 मिलेगा। अगर आप कोई भी फिबोनाची नंबर को आप स्क्वायर रूट करेंगे तो एक ओनली 144 आपको परफेक्ट स्क्वायर में मिलेगा, बाकी कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर में नहीं मिलेगा। मैं अभी यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, मैं पहले शायद बोला था आप लोगों को, पता है। तो आप लोग देख सकते हैं 369 का इंपॉर्टेंस कितना है ना। अभी देखिए, अरे बाप रे बाप, तो रिसर्च से ऐसा देखा गया है कि दो पावरफुल फ्रीक्वेंसी के बारे में जाना गया है। क्या क्या दो पावरफुल फ्रीक्वेंसी है, एक है 432 हर्ट्ज, सॉरी 432 हर्ट्ज, और एक है 528 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसमें से 432 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है, जो साउंड है, इसमें क्या होता है, ये आपका एंजाइटी रिड्यूस करता है, आपका ब्लड प्रेशर
कम करता है, आपका हार्ट रेट भी कम करता है, कंट्रोल करता है, ये आपका ब्रेन और हेमिस्फीयर में कांटेक्ट करता है, मतलब आपको आपका कॉन्शियसनेस में ये इफेक्ट करता है, ठीक है, आपको बेटर एक्सपीरियंस कराता है। तो 432 हर्ट्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक कौन सा फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है, 528 फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है। ये जो साउंड होता है, इससे क्या होता है, आपका डीएनए रिपेयर होता है, इसको डीएनए रिपेयर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसको क्या होता है, इसमें आपका हेल्थ हेल्थ अच्छा होता है, आपका लॉन्गजिविटी बढ़ता है, आपका उम्र ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो वाइब्रेशन है, ये जो वाइब्रेशन का इफेक्ट इफेक्ट हम लोगों का हेल्थ में बहुत ज्यादा होता है। आप लोग देखेंगे बहुत सारा म्यूजिक है जो 432 या 528 हर्ट्ज का है, तो हम लोगों का जो स्पिरिचुअल साउंड है बहुत तरीके का होता है, शंख से होता है, या शंख जिसको हिंदी में कहते हैं, या घंटा होता है, उसका साउंड भी इसी के कंपैरिजन में होता है, ठीक है। तो ये दो फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसको अगर आप ऐड करेंगे 432 या 528, 432 को ऐड करने से 9 होता है, और 528 को ऐड करने से आपका 6 होता है, और सिमिलर है, ठीक है। और इसको छोड़ के कहाँ पर दिखा, यहाँ पर ही दिखा देता है, कहाँ पर है, मैं थोड़ा देखता हूँ, मैंने लिखा है कहीं, ओ यही तो था कम, हाँ 11th सेंचुरी में एक मॉन्क था, मॉन्क का नाम था बेनेडिक्ट बेनेडिक्टाइन मॉन्क, मॉन्क का नाम था गुइडो दे दी एजारिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, कुछ फ्रीक्वेंसी को इन्वेंट किया था, और उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग जानते हैं सोफिजियो फ्रीक्वेंसी बोल के। तो फ्रीक्वेंसी क्या क्या था, 396 हर्ट्ज, 417 हर्ट्ज, 528 हर्ट्ज, 639 हर्ट्ज, 741 हर्ट्ज, 852 हर्ट्ज। तो ये साउंड इम्पोर्टेंट होते था उनके लिए। इनमें से देखिए 428 है, तो इसको सबको अगर आप कॉन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 936 936, ऐसा करके। तो 936 का इम्पोर्टेंस हम लोगों का लाइफ में बहुत है। तो आने वाला वीडियो में और मैं और भी इसके बारे में बताना चाहूंगा। आप लोग प्लीज कमेंट में लिखिए कि वीडियो कैसे बन रहा है, क्या क्या गलती हो रहा है, या इसके बारे में आप लोग और जानने जानने का आप लोगों को इच्छा है कि नहीं। ये वीडियो मैं कोई कॉमर्शियल पर्पस में नहीं बना कि मेरा और भी स्टूडेंट बने, मेरा कोई फायदा हो। ये सब्जेक्ट मुझको अच्छा लगता है, और मैंने देखा है इस सब्जेक्ट में हिंदी में कोई भी वीडियो नहीं है, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाता नहीं हूँ, इसीलिए मेरा एक्सपर्टीज भी मैं ठीक से बोल भी नहीं पाया, आप लोग देख पाएंगे। तो आपका जो भी ओपिनियन है प्लीज कमेंट में लिखिए। आप लोगों को रिक्वेस्ट, ये वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल हुआ है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को, और घंटे को दबाइए नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। और मेरा एक कोर्स चलता है, तो मेरा एक कोर्स चलता है जिस कोर्स में मैं सिखाता हूँ कि WD ज्ञान को ज्ञान के बारे में, और उनका स्क्वायर ऑफ 9 के बारे में, स्क्वायर ऑफ 9 का बेसिक के बारे में, ठीक है, उसको सर्कल चार्ट, सर्कल हेक्सागोन चार्ट सबका मैं कैलकुलेटर प्रोवाइड करता हूँ, जो जो आपको मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं डायनामिक लेवल का कैलकुलेटर नहीं देता हूँ, वो मैं यूट्यूब में सिखा दिया, डायनामिक लेवल का कैलकुलेटर के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसको कैसे यूज करें, कैसे कुछ इंटरडे में या स्विंग ट्रेड में यूज करते हैं। उसके बाद मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ, थोड़ा मतलब
लार्ज सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें मैं केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र, एसबीसी सबके बारे में सिखाता हूँ, जितना मैं जानता हूँ फाइनेंशियल एस्पेक्ट के हिसाब से। और उसके बाद मैं अपना खुद का कुछ स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करता हूँ लास्ट में। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ जानना है, आपको अगर इंटरेस्ट है तो मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और इसको भी, इस कोर्स के बारे में भी छोड़ के, अगर कोई भी क्वेरी है मेरा वीडियो के बारे में, मेरा कि पहले का वीडियो के बारे में, तो कुछ जानना है तो मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए मैं यहीं पर रखता हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा। गुड बाय।